श्रुतोपनिषद का गत्य विधानाच कहते, क्योंकि अथोत्रेण तपसा इत्यादि प्रकार से श्रुति और स्मृतियों में सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले जो अनुष्ठान करने वाले जो लोग होते हैं उनके गति के बारे में कथन किया गया। और गति अर्थात जो मार्ग जो कथन किया वो उसके लिए कथन कर रहे जिसने पहले उपनिषद सुना है और उपासना के बारे में सुना है। यह उपनिषद है रहस्य उपासना, सुने हुए जिसने उपासना को सुना और उसका अनुष्ठान किया उसी के लिए गति का विधान। अतएव यहां उपास्य ब्रह्म की कथा होनी चाहिए, यहां अन्य छाया पुरुष आदि नहीं लेना। इतश्च अक्षिस्थान पुरुष परमेश्वर, इसलिए भी अक्षिस्थान वाला पुरुष परमेश्वर होना चाहिए। यस्मात् श्रुतोपनिषद कस्य श्रुत रहस्य विज्ञानस्य, जिसने श्रुतोपनिषद कस्य की व्याख्या कर रहे हैं, श्रुत रहस्य विज्ञानस्य, इसने श्रवण कर लिया है किसका, रहस्य माने उपासना संबंधी विज्ञान का, ब्रह्मविदो या गति अर्थात ब्रह्मवेत्ता, शुद्ध निर्गुण ब्रह्मज्ञानी नहीं है, सगुण ब्रह्मज्ञानी, उसकी जो गति ही देवयाना क्या प्रसिद्धा श्रुतो, तादृश उपासक सगुण ब्रह्म उपासक जो लोग है उनकी जो गति है देवयाना नाम से प्रसिद्ध है श्रुतियों में, उसी को अथोत्रेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मानं अन्विष्य आदित्यम अभिजयन्ते। उत्तरेण मार्गेण, उत्तरेण उत्तरायण मार्ग से, जिसको देवयान मार्ग भी कहते हैं, व्यक्ति अपनी तपस्या ब्रह्मचर्य श्रद्धा और सगुण ब्रह्म की विद्या के द्वारा उपासना करके, अन्विष्य मन उपासना करके आदित्यम अभिजयन्ते, वो आदित्य लोकों को प्राप्त करते हैं। एतद्वै प्राणानाम आयतनम, एतद् अमृतम अभयम, एतद् परायणम, एतस्मात् न पुनरावर्तन्ते, यही जो है इन समस्त प्राणों का आयन है, यही अमृत है, यही अभय है, यही परायण है, यही इसको प्राप्त करके ही व्यक्ति पुनः लौटता नहीं है। ऐसा उत्तरायण मार्ग से प्राप्त ब्रह्मलोक रूपी फल का स्तुति पूर्वक कथन किया हुआ है। स्मृतोपी, स्मृति में भी अग्निर्ज्योतिर कृष्ण शुक्ल षण्मास उत्तरायणम तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। गीता जी सैव अक्षि पुरुष विदो अभिधीयमान दृश्यते, वही गति वही उत्तरायण मार्ग का कथन यहाँ पर इस प्रकरण में अक्षि पुरुष के वेत्ता को भी कथन किया गया है। कैसे, मंत्र दे रहे, अत यदु चैवम चैव अस्मिन् छव्यं कुर्वन्ती यदि च न अर्चिषमेव अभिसंभवन्ती, चाहे कोई इसके शव्य कर्म करे या न करे, इसके मरने के बाद इसको जलावे चाहे न जलावे, शव्यं कर्म कुर्वन्ती यदि च न अर्चिषमेव अभिसंभवन्ती, फिर भी वो अर्चिरादि मार्ग को ही प्राप्त करता है। ऐसा उपक्रम करके आरंभ करके इसी चांदी में कहा, आदित्य चंद्रमसम चंद्रमसो विद्युतम तत्पुरुषो अमानवस एनान ब्रह्म गमयति एष देव पथो ब्रह्म पथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानम आवर्तन नावर्तन्ते इति। वहां कहा आदित्य से चंद्रमा को प्राप्त करेगा, चंद्रलोक से विद्युत लोक, विद्युत लोक में क्या होता है, वहां पर कोई अमानव पुरुष ऊपर के लोगों से आते हैं, वह अनाव पुरुष लाकर इस उपासकों को अपने कार्य ब्रह्म की ओर पहुंचा देते हैं, पहुंचा करके जो पहुंचाते ये जो मार्ग है इस मार्ग का नाम देवपथ है, देवयान मार्ग है, इसके ही नाम तो ब्रह्मयान है, ब्रह्म मार्ग है। एतेन प्रतिपद्यमाना, इसके द्वारा उस कार्य ब्रह्म को प्राप्त करके क्या होता है, कार्य से अभिन्न कारण ब्रह्म को प्राप्त करके इमं मानम आवर्तम नावर्तन्ते, इस मनु का जो आवर्त है जो उस समय काल पर्यंत वापस लौटता नहीं, मानव के मंडल में नहीं लौटता। तदीय ब्रह्मविद विषया प्रसिद्धया गत्या अक्षिस्थान से ब्रह्मत्वं निश्चीयते, इसलिए क्योंकि ये तादृशी जो गति का व्याख्या है, यह गति की व्याख्या
ब्रह्मवेत्ताओं का ही विषय है, सगुण ब्रह्म के उपासकों का ही विषय है। इसीलिए यहाँ पर अक्षिष्ट पुरुष के द्वारा उपास्य ब्रह्म को ही ग्रहण करना चाहिए, ऐसी दुआ। अनवसिते असमवाच्य नेतरः, नेतरः दूसरे नहीं हो सकते, छात्र विज्ञान देवतात्मा इन तीनों में से कोई नहीं हो सकता। क्यों? अनवस्थिते है, सर्वदा उनकी स्थिति नहीं हो सकती। सर्वदा छात्र पुरुष की स्थिति नहीं है, सर्वदा विज्ञानात्मक स्थिति भी नहीं है, सुषुप्ति में अभाव हो जाता है, सर्वदा देवतात्मा का भी स्थिति नहीं है। असंभवाच्च, और दूसरा हेतु देते हैं, और असंभव है अमृतत्वादि गुण छाया पुरुष है जीवात्मा में न देवतात्मा में प्रसिद्ध है, इसे न इतरह। तत्पुनरुक्तम, यह तत्पुनरुक्तम, यह जो पूर्व पक्ष ने कहा था कि नहीं जी हम तो छायात्मा मानेंगे या तो विज्ञानात्मा देवतात्मा मानेंगे, वास्याद अक्षस्थान है, अक्षर विस्तान के कारण से इन्हीं में से किसी न किसी परिचिन वस्तु को लेना चाहिए। अत्र उच्यते उसे जवाब में कहा जा रहा है, न छायात्मा आदि, न छायात्मा आदि ही, छायात्मा मैंने छात्मा नहीं है, आदि से लेना जीवात्मा भी नहीं है, देवतात्मा भी नहीं, इतरा ये सब इतर कोटि से आ गया। यह ग्रहण मरती, छात्मा आदि जो इतर हैं उनको यहाँ पर अक्षस्थान और पुरुष के रूप में ग्रहण करना संभव नहीं है। अस्मात पहला हेतु अनवस्थिते है, अनवस्थिते है, नताव छायात्मा चक्षुषी नित्यम अवस्थान संभव होती, छायात्मा की जो है चक्ष में नित्य अवस्था हो ही नहीं सकता। जब हम आपको देख रहे हैं, आप हमारी छायात्मा बनकर हमको दिखाई दे रहे हैं, आपका चित्र पकड़ लिया ना जिसने, आप हट जाएंगे, कोई दूसरा आ जाए तो वो चित्र आ जाएगा, कौन सी छायात्मा स्थाई रहा, और हम नहीं देखेंगे तो नहीं रहेगा। दिन में कितने घंटे आपके सामने छायात्मा रहेगी? 24 घंटा तो रहता नहीं। और जब आप ध्यान करना चाहो तो फिर क्या, हमेशा जो किसी बिठा कर बिठाना पड़ेगा छात्मा, अरे आओ भाई तुम बैठो, मैं अब तुमको छात्मा रूप में उपासना करना चाहता हूँ, कहेगा कौन बैठा रहेगा तुम्हारी उपासना के चक्कर में, इधर अपना ही फोटो बनानी पड़ेगी, जैसे आजकल लोग कर लेते हैं, अपनी फोटो बना करके बैठ जाते हैं और अपनी फोटो की ध्यान करते हैं और सीधा वो शरीर का ध्यान करते रहते हैं, कितना सुंदर हूं मैं देखो, अपनी सौंदर्य को देखते रहते हैं, उसी का चिंतन करते हैं। मरने के बाद तो और मन शरीर मिल जाएगा, कम से कम मोक्ष तो होगा ही नहीं इस चिंतन से, ये कि मरने के बाद दोबारा मनुष्य शरीर मिला, क्योंकि मनुष्य के शरीर का चिंतन निरंतर करते रहा है और जो सौंदर्य के लक्षणों को घटाते रहा है, तो हो सकता है इससे ज्यादा सुंदर मिल जाएगा, इन मुक्ति का रास्ता तो है नहीं वो छात्मक स्तर से जो है उपासना करना। इसे कहते हैं यदैव ही कश्चित पुरुष चक्षुर आसी चक्षु आसीदति तथा चक्षुषी पुरुष छाया दृश्यते, यदैव जब कोई पुरुष आपके चक्षु के सामने आ जावे तभी आपके चक्षु में क्या होता है, उस पुरुष की छाया चित्र का आंकलन हो जाता है और आपको सज्ञान होता है, अपगत्य तस्मिन् न दृश्यते, और सामने आए वो पुरुष हट जाए तो आपको दिखाई नहीं देगा। यानी यहाँ पर जो कहा जा रहा है वो तो नित्य पुरुष लग रहा है, येषु अक्षिणी पुरुषेति श्रुतिः सन्निधानात् स्वचक्षुः दृश्यमान पुरुषम् उपासकत्वेन उपदिशति, और यहाँ पर जो श्रुति है सन्निधि के वजह से लग रहा है स्वचक्षु में विद्यमान जो दृश्यमान पुरुष है उसको उपासकत्वेन कथन कर रहा है, और ये जो आ रहा है जा रहा है पुरुष उसकी उपासना कैसे करें फिर, यदि छायात्मा यहाँ पर विषय वाक्य का जो है लक्ष्य है फिर तो उसकी उपासना नहीं कर पाएंगे, छायात्मा कोई भी छायात्मा स्थिर नहीं होता। न च उपासना काले छायाकारं कंचित पुरुषम चक्षुस्वेप सन्निधाप्य उपास्ते इति उक्तम कल्पयितुम्, ऐसे भी आप कल्पना नहीं कर सकते, जब जब उपासना करना चाहूंगा किसको पकड़ के बिठा दो, बैठ जाओ भाई आप, हम उपासना करना चाहते छायात्मा की, इसलिए बैठे रहिए चुपचाप, हिलना नहीं ढुलना नहीं कुछ नहीं करना है ना, फिर ध्यान बिगड़ जाएगा उसका, जब तक ध्यान करे पत्थर जैसे बैठे रहना पड़ेगा सामने तो कौन बैठेगा, पत्थर भी नहीं बैठेगी आदमी के लिए, दूसरा क्या बैठेगा, इसलिए कहते ये तो कल्पना करना ही असंभव है, हम किसी पुरुष को बिठा लेंगे और वो छाया का आकार बनाते रहेगा मेरे सामने और मैं उसकी उपासना करते रहूं, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता।
अशैव शारीर से नाश मनु ऐसे नश्यति, और बल्कि उल्टा छायात्मा को विरोचन ने पकड़ लिया था, विरोचन ने छायात्मा को ही असली आत्मा समझ गया, उसको दिखा ना जल में दिखाई दिया जो तो यही आत्मा है बोल दिया उसने, कि ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया है कि शरीर ही आत्मा है। फिर उनको पिला के बोला सुवसनव इत्यादि हो जाओ, तो विवेक आ जाएगा कि ये नहीं है, क्योंकि पहले जो देखा तो साधारण ब्रह्मचारी का वेश में था, और ये तो बड़े आभूषणों वाला हो गया। यदि ये शरीर आत्मा होता कभी तो आभूषणों वाला हो रहा है, कभी तो सादे कपड़े वाला होता है, कभी तो नंगा हो जाता है, कभी तो कुछ और पैंट शर्ट पहन लेता है, कभी कुछ हो जाता है, फिर तो भाई ये तो व्यभिचारी है ये आत्मा का स्वरूप, इसलिए आत्मा नहीं है ऐसे विवेक आना चाहिए था, विवेक को विवेक आया नहीं। उसने छात्र जब ग्रहण करके गया तब वहां पर कहा गया अस्यैव शरीरस्य नाशम, ये शरीर का नाश होते होते साथ साथ जिसको तुम आत्मा मान रहे हो वह छात्र तभी नष्ट हो जाएगा। इति श्रुति छायात्मनोपि अनवसितत्वं दर्शयति, छायात्मा की अनवसिति ही श्रुति ने दर्शाया। एक और हेतु है असंभवाच्छ, असंभव भी क्या असंभव है, तस्वीर छायात्मनी अमृतत्वादिनां गुणानां न छायात्मनी प्रतीति ही, कि तस्मिन छायात्मनी उस छायात्मा में अमृतत्व जो गुण यहां कहे गए हैं उनमें से एक भी घटता नहीं है। चलो छायात्मा में दो दोष दे दिया आपने, अनवस्थिति और असंभवात, चलो जीवात्मा ले लो, कहते जीवात्मा भी यही दोष है। तथा विज्ञानात्मनोपि साधारण कृष्ण शरीर इंद्र संबंधी सती चक्षुषी एव अवस्थितम वक्तुम न शक्यम, ये विज्ञान आत्मा भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो विज्ञान आत्मा कहाँ रहता है, हैं? पूरे शरीर में घूमते रहता है, पूरे शरीर में व्याप्त भी है और परिचिन दृष्टि से विचार कर बुद्धि उपाधि को लेकर के तो भी घूमते ही रहता है। आंख में तभी आता है ना विज्ञान आत्मा जब वस्तु को देख रहा है, बाकी टाइम जब सुन रहा है तो यहां है वो विज्ञान आत्मा, अलग अलग स्थानों पर उपाधि के द्वारा बुद्धिवृत्ति के द्वारा। इसलिए प्रमात्र चिंचन प्रमाणावचन चेतन प्रमेयावचन चेतन ऐक्यता कैसे होती है, ऐसे ही तो होगा। अंतकरण से निकला वृत्ति वो उधर गया, उधर के उस माध्यम से क्या है एक तरह से विज्ञानात्मा आंख में आ गया, जब घट में चला गया तो विज्ञानात्मा घट में चला गया, इसलिए तो उसको अहमता आ जाता है मैं मान लेता है, और घट फूट गया तो अरे मैं ही मर गया बोलता है। बच्चे रोते क्यों है, क्योंकि उसमें मैंपन आ गया, उसको देखा उसको मेरा कर ग्रहण करते वही मैं करके ग्रहण कर लिया, इतना तादात्म्य अध्यास हो जाता है। अर्थात विज्ञान आत्मा इस प्रवृत्ति के माध्यम से बाहर अंदर आने जाता जाता है, तो कभी तो आंख में कभी कहां कभी कहां कभी कहां रहता है, और सामान्य रूपे ना पूरे शरीर में व्याप्त है, विशिष्ट रूपे ना तत्व इंद्रियों के साथ जब संबंध करेगा तभी वहां रहेगा, सदा तो आंखों में ही रहेगा नहीं। इसलिए भाष्यकार कहते हैं विज्ञानात्मनोपि साधारण कृष्ण शरीर संबंधे सती, ये जो संपूर्ण शरीर संबंध का साधारण रूपण होने पर पूरे शरीर में रहता है, चक्षुषी एव अवस्थितत्व वक्तुम न शक्यम, ऐसे उस विज्ञान आत्मा साधारण रूपेण शरीर संबंध होने पर पूरे शरीर में जो व्याप्त रहने वाले को केवल आंख में रहता है कहना उचित नहीं है। ब्रह्मणस्तु व्यापिनोपि दृष्ट उपलब्ध्यर्थो हृदयाय देश देश विशेष संबंध हो, और ब्रह्म का भी यदि व्यापिनोपि उसको कैसे कह दिया देश में आपने, कहते उसको इसलिए कह दिया दृष्ट उपलब्धि अर्थ, यदि ये भी ब्रह्म भी व्यापक है लेकिन उपलब्धि के लिए हृदय आदि देश विशेष का संबंध देखा गया है, कहा गया है, उपदेश दिया गया है। समाश्च विज्ञान आत्मनि अपि अमृतत्वादिनां गुणानां असंबंधः, और असंभवाच्च वो भी घटा रहे, इतना ही नहीं विज्ञान आत्मा भी अमृतत्व गुणों का असंबंध का असंभावना समान ही है, क्योंकि यद्यपि जीव ही ब्रह्म है जीव सच्चिदानंद रूप है, लेकिन कौन सी जीव को ले रहा है जो कार्यकरण संघात का अभिमान करने वाला, उसके शुद्ध रूप को नहीं ले रहा है। इसलिए आगे स्पष्ट कर रहे हैं यद्यपि विज्ञान आत्मा परमात्मनो अनन्य, यद्यपि विज्ञान आत्मा परमात्मा से अनन्य है,
अच्छा परमात्म सच्चिदानंद है तो ये भी सच्चिदानंद है, क्या दिक्कत हो रहा है आपको? अरे बात तो सही है, तथापि आप जिस विज्ञानत्व को उपासपेण चक्षु में पकड़ना रहे हो वो कौन सा है? वो अविद्या काम कर्म कृतम तस्मिन मर्त्यत्व मध्यारोपितम भयंच इति अमृतत्ता अभयत्व नुपपद्ये थे। कि आप जिसको विज्ञानत्व करके पूर्व पक्ष ग्रहण कर रहा है वो अविद्या काम कर्म कृत है, उसके अंदर मर्त्यत्व भी भय भी है, यद्यपि आरोपित है। अध्यारोपितम तस्मिन मर्त्यत्वंच अभयंच अभयंच, यद्यपि इसमें अध्यारोपित मर्त्यत्व और भय दोनों है, अतएव उसमें अमृतत्व और अभयत्व की प्राप्ति नहीं हो सकता। संयद्वामत्वादिश्च एतस्मिन अनैश्वर्याद अनुपन्ना एव, और संयद्वामत्व अमृत भावनित्व जो चीज गुण बताया गया था तस उदिति नाम इत्यादि जो बताया गया, वे नाम के अनुसार जो गुण बताए गए हैं वे गुण जीवात्मा में जो परिचिन्न अविद्यावचिन्न चैतन्य है, मायावचिन्न चैतन्य रूपा जो जीव है, इनके अंदर वो घट नहीं सकता। क्यों? अनैश्वर्याद, इसके पास कोई ऐश्वर्य, जितना बेचारा मेहनत से कमा लेता है और पिता से प्राप्त हो जाता है पैतृक संपत्ति के अलावा और उसके धन दौलत के इसके पास कुछ नहीं, क्या ऐश्वर्य? जिन और मान लो कुछ योग वगैरह करता है जब तक कर कुछ थोड़ी बड़ी रिद्धि सिद्धि मिल जाए, कोई भूत प्रेत को पकड़ लेता है, कोई कुछ कर लेता है, छोटे मोटे रिद्धि सिद्धियां तो ऐश्वर्य है। सर्वैश्वरी का है जैसे उसने बताया वामन, तो सकल लोगों में सभी चीज को प्रकाशन करने का सामर्थ्य, सकल लोगों को अपने कर्म फल प्रदान करने का सामर्थ्य, वामनित वहन करने का सामर्थ्य, ये सब कहां से आएगा इसके पास? सृष्टि स्थिति लय करने का सामर्थ्य कहां से आएगा? वह सब ऐश्वर्य इस परिचिन जीवात्मा में नहीं है। अनैश्वर्याद अनुपन्ना एव, संयद्वामत्वादि गुण जो है इसमें उत्पन्न ही नहीं हो सकते। चलो देवतात्मा ले लो, उसके अंदर तो कुछ ऐश्वर्य है, क्योंकि तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता होते हैं वो, तो नहीं जितने देवता होते हैं तो उनके अंदर सब गुण है। कहते नहीं, उनमें भी तभी घटेगा नहीं, क्यों? रश्मि बिरेशो अस्मिन प्रतिष्ठित इति श्रुतेर यद्यपि चक्षुषि अवस्थानम स्यात्, यद्यपि श्रुति ठीक कह रही है कि चक्षु में देवता का अवस्थिति है, इसलिए अनवस्थित तो नहीं हो सकता, अवस्थित है। यावत आपका चक्षु और काल, यावत काल पर्यंत चक्षु है, देख रहा हो चाहे ना देख रहा हो, यानी कि आप नहीं देख रहे तो आदित्य चला जाएगा, फिर जब देखना चाहोगे तो आदित्य लौटे के आ जाएगा दोबारा, ऐसी बात नहीं है, सदा है या इंद्रिय के साथ। गोलक में आने जाने में अलग चीज है, लेकिन सुख शरीर में इंद्रिय के साथ सदा वह अनुग्राहक देवता है। इसलिए पहले ना जो सोता हुआ आदमी को एकदम जगा दो तो खतरा हो जाता है, क्योंकि गोलक में आ नहीं पाया, सूक्ष्म शरीर तुरंत ही इस स्थूल शरीर के प्रत्येक गोलक में व्याप्त नहीं कर पाता है, उसमें गड़बड़ा जाता है करके वहां वर्णन आया। इसका मतलब यह नहीं है कि आंख के साथ जो चक्षु के साथ जो है देवता नहीं रहता, नहीं सदा रहता है, याद काल पर्यंत शरीर है, या आप देख रहे हो चाहे ना देख रहे हो, उस सूक्ष्म शरीर में आदित्य देवता चक्षु का अनुग्राहक बन करके सदा चक्षु इंद्रिय के साथ में विद्यमान है। इसलिए कहते हैं कि भाई अनवस्था तो हो नहीं सकता, अवस्था है यहाँ पर, अवस्थानम है ना अनवस्थित है, अनवस्थित है को आप नहीं कह सकते, यहाँ अवस्थान है। यद्यपि तथापि आत्मतंत्रता न संभवती, ब्रह्मत्व आत्मत्व उसके अंदर घट नहीं सकता, परागरूपता क्योंकि वो परागरूप है, भिन्न जो है विशिष्ट चैतन्य रूपेण गृहित है वो, जैसे आप जीवात्मा अपने आप को परमात्मा से भिन्नत्व ग्रहण कर लेते हो, उसी पर देवतात्मा भी अपने आप को परमात्मा से भिन्न आत्मा ग्रहण कर रहा है, इसे विशुद्ध आत्मत्व जो चीज है वो उसके अंदर भी नहीं है। अमृतत्वादियों पर संभवंत, और अमृतत्वादि भी नहीं बनेगा उत्पत्ति प्रलय श्रवणात्, क्यों उनका जो है जीने मरने का भी प्रसंग सुनने को मिलता है। अमृतत्व क्यों बोला? अजरा अमरा देवा, अमृतम अपि देवानाम चिरकाल अवस्थान अपेक्षम एव, मनुष्यादि अन्य निम्न कोटि के निकृष्ट कोटि के योनियों की अवस्थिति काल जितना होता है उसकी अपेक्षा ज्यादा काल पर्यंत अवस्थित हो जाते हैं, इसलिए उनमें जो है मनुष्य दृष्टिकोण से अमर कह दिया गया है। ऐश्वर्य ऐश्वर्य भी परमेश्वर आयतम न स्वाभाविक, ऐश्वर्य भी जो है उनके पास जो है
वह उनका अपना स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग करने योग्य वस्तु नहीं है, वह भी परमेश्वर से ही प्राप्त है। यह बात केनो परिषद में सुस्पष्ट ही है। वह अग्नि आया, मैं जात वेदा हूं, मैं ये हूं, मैं सबको जलाकर राख बना देता हूं, बोल दिया। अच्छा भाई, इतना तेरे को सामर्थ्य अपने आप को तुम मान रहे हो, इतादृश ऐश्वर्य वाला तुम अपने आप को मानते हो, चलो घास को जला दे, दिखा दे हमको। सूखा घास को नहीं जला पाया, क्योंकि ईश्वर ने अपना छीन लिया उसका ऐश्वर्य, जो उसकी कृपा से है उसके अंदर ऐश्वर्य, उसने कृपा हटाई, वो ऐश्वर्य खत्म, जला नहीं सका। भाई ने कहा सबको मैं उड़ा देता हूं, भाई उड़ा, इस घास को उड़ा दे, घास को उड़ा नहीं सका, हिल नहीं पाया वो घास, तूफान बना दिया उसने, घास हिला नहीं, उस तूफान में दम कहां है? ये स्वप्न का तूफान जैसे हो गया, बेकार का। तो इस तरह से आपको केनो परिषद स्पष्ट दर्शाया है, देवताओं के पास जो ऐश्वर्य उनकी अपनी नहीं होती, तो परमात्मा के द्वारा ही। गीताजी में भी जगह, जो भी जैसा भी उपासना करते उसको फल कौन देता है? मैं ही देता हूं देवताओं के द्वारा, कहा है कि नहीं कहा है? तो इसीलिए कहते कि देखो उनमें भी जो ऐश्वर्य है ना वो परमात्मा से ही आए थे, उनका अपना कुछ भी नहीं है। तो यहाँ कठोर परिषद को प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, भीषास्माद वात पवते, भीषा उदेति सूर्य, भीषास्माद अग्निश्चिंद्रश्च मृत्यु धावति पंचमः इति मंत्र वर्णात। इस मंत्र वर्ण से सुस्पष्ट है कि भाई ये जितना भी सामर्थ्य देवता में दिख रहा है वो सब उनकी अपना खुद की नहीं है। और उत्पत्ति प्रलय भी देखा गया तो उसमें भी चक्षुषो सूर्यो अजायत, चक्षुषो सूर्यो अजायत, सूर्यो अस्तमेति नास्तमेति कदाचन इत्यादि करके कहीं अस्त का भी होता है, कहीं अस्त नहीं होता, ये बता दिया। इस प्रकार सूर्य को उदयास्त के बारे में चर्चा हो रखा है। अंग ऐश्वर्य परमात्मा का अधीन नहीं, इसलिए क्योंकि वो सब भय के हमारे स्वयं भयग्रस्त है और परमात्मा की जो आदेश के आधार पर निरंतर चलते रहते हैं। नहीं तो मौका मिल जाए ये भी छुट्टी ले लेवे, महीना महीना भर की मेडिकल लीव लगा देंगे तो मुश्किल हो जाएगा। मनुष्य करता है ना नौकरी में, मेडिकल लीव डाल देता है, कैजुअल लीव डाल दिया, जो है अनेक प्रकार के लीव है दुनिया भर की। अच्छा साल भर में तो छुट्टियों डेढ़ महीना चला जाता है, डेढ़ दो महीना और दो चार महीने वो छुट्टी ले लेते हैं, छह महीना नौकरी करते हैं और जिंदगी भर पेंशन भी मांग के ले जाते हैं। और यहाँ बेचारे ही ऐसे ना, इनको पेंशन मिलने वाला है ना, छुट्टी है ना तनखा है, तनखा भी नहीं, और दिन रात लगे हुए हैं, चल रहे हैं काम धंधे में लगे हुए। एक अर्ष है बोला ना, इसको निरंतर चलने वाला है। सूर्य आदि समस्त ग्रह को समस्त देवता लोगों का हालत है, और यहाँ किसी को निरंतर पढ़ाई करो तो कैसा होगा, कैसा होगा, नहीं हो सकता। ठीक है दो चार साल में पूरा कर दीजिएगा तो ठीक रहेगा। जिंदगी लगा दिया तुमने, कहा को इधर आया फिर साधु क्यों बना है? दो चार साल पढ़ने के लिए साधु बना था क्या? जब साधु बना है आत्मानुभूति करने के लिए, फिर ये क्यों सोचना दो चार साल की बात? परमात्मा का अनुभव करने, भगवान का दर्शन करने, जो भी है, चाहे द्वैत बुद्धि अद्वैत बुद्धि जैसे बुद्धि से भी आया, लेकिन उस मोक्ष की ओर जाने के लिए तो आया है, मोक्ष पाने के लिए तो आया है। फिर वहां पर काल की अवधि बना रहे हो दो चार साल, यहां तो जीवन अर्पण कर देना है, यह सोच के चलना है हमें, जिंदगी भर पढ़ते ही रहना है, पढ़ाते रहना है, पढ़ना है पढ़ाना है, और नहीं भी पढ़ाना है तो पढ़ना जरूर है। स्वाध्याय प्रवचनाभ्यम मा प्रवदितव्यम, लेकिन सब प्रवचना प्रवचनात् ना प्रवृत्त मित्र मात्र रख लिए हैं लोग, प्रवचन देने में चुकते नहीं, स्वाध्याय तो कभी देखते नहीं। वहां स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम कहा है, और वहां प्रवचन का भी अर्थ अलग ही कर दिया है, ये प्रवचन नहीं जो होता है। तो इसे उसमें वह तद्धि तप स्वाध्याय से बढ़कर कुछ नहीं है। नित्य स्वाध्याय आज जो है आमरण कलिया पर्यंत प्रतिदिन सोते वक्त करना है, यह लक्ष्य को लेकर चलने पर ही व्यक्ति और यह चेद वेदित सफल हो जाएगा, नहीं तो महती विनष्टि है, ये उसके जेब में सदा तन से आया हुआ है, महती विनाश करते हुए आ ही रहा है, वो तो उसके रिजर्व है मामला, उसके रिजर्व फल है, वो मिलना ही है। तो
तो इसलिए कहते कि देखो तस्मात परमेश्वर एव अयम अक्षिस्थान प्रत्येतव्य, इसीलिए अक्षिस्थान का पुरुष परमात्मा ब्रह्म ही है, उपास्य ब्रह्म ही है, ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए। अस्मिश्च पक्षे दृश्यति प्रसिद्ध उपादानम शास्त्राद्यपेक्षम विद्वद विषय प्रवचनार्थम व्याख्या। और इस पक्ष में दृश्यते करके जो प्रसिद्ध उपादान ग्रहण जो किया है शब्द को, वो शास्त्र अपेक्षा से कहा है, विद्वान किया विषय रूपेण कथा विद्वद विषय प्रवचनार्थम च, विद्वद विषयत्व परिदृश्यमान है और उपासक उपासना करने के लिए अन्यों को प्रेरणा देने के लिए दृश्यते शब्द प्रयोग कर लिया है। इस प्रकार से दृश्यते शब्द की व्याख्यान कर लेना चाहिए। फिर अब तक दृष्टांत संघ से एक के बाद एक लेते रहे, उत्तरोत्तर जो अधिकरण पूर्व पूर्व अधिकरण के प्रति दृष्टांत रूप में उपस्थित होते गया। और अब पूर्वाधिकरण जो दृष्टांत में दिया हुआ जो दृष्टांत है उसको भंग करने के लिए आक्षेप संगति में आता है। पूर्व इस अधिकरण में अक्षय पुरुषाधिकरण में आपने क्या किया था, अंतराधिकरण में वहां कहा था जैसे पृथ्वी आदि भी उपाधियां कही गई है उसी प्रकार चक्षु भी उपाधि है आपने कह दिया। यदि एक का ही स्थान का उपदेश दिया होता तब तो मैं आपका बात मान लेता, लेकिन उस परमात्मा के उपासनार्थ अनेकों स्थानों का विधान करने के कारण से उन स्थानों के सदृश यह भी स्थान होने के कारण यहाँ पर छायात्मा नहीं हो सकता करके आप निर्देश दिए, उस पर आक्षेप करता है पूर्व पक्षी, ये पृथ्वी आदि स्थान नहीं है उपासना का, दृष्टांत भंग हो गया आपका तो दृष्टांत में सिद्धांत हानि हो जाएगी, तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा नहीं ये पृथ्वी आदि जो कहा गया अंतरे में ब्राह्मण में वो उपासना के लिए स्थान विशेष है, ये सिद्ध करना तब दृष्टांत सिद्ध हो जाएगा। यथा पृथ्वी आपने कह दिया अक्ष ही उपासनार्थम स्थान विशेष हो, अक्ष क्या है उपासनार्थ स्थान विशेष है, दृश्य इत्यादि उक्तत्वात् पृथ्वी आदिवत, ऐसे जो आप अनुमान कर रहे हैं वो भंग कर रहा है पूर्व पक्ष, कहते पृथ्वी न उपासनार्थम स्थान विशेष क्यों तत्र दृश्यत इत्यादि अनुपयुक्तत्वात् अनुच्चरितत्वात् अनुपदिष्टत्वात् वहां ऐसा उपदेश नहीं है, इतना है ना वो अंतर्यामी के बारे में बोल रहा है वो पृथ्वी में रहता है, पृथ्वी उसे जानता नहीं, पृथ्वी उसी का शरीर है, पृथ्वी के भीतर पृथ्वी का जो नियमन करता है वही तुम है, वही अंतर्यामी वही सर्वांतर है, इतना तो कहा है, ये कहां का वहां दृश्यते ये उपासित ऐसे कोई शब्द आया उस मंत्र में, तो ऐसे शब्द आया नहीं, इसीलिए उपासना के लिए निर्दिष्ट स्थान नहीं है पूर्व पक्ष कहता है। अतएव आपने जो दृष्टांत बनाया था यथा पृथ्वी भंग हुआ कि नहीं हुआ, अतः अक्षय स्थान भी उपासनार्थ नहीं है ये सिद्ध हो जाएगा, अतः पूर्वाधिकरण सिद्धांत भंग हो जाएगा। उस आक्षेप संगति से अगला अधिकरण पूर्व पक्ष ने जब उठाया तब इस अधिकरण में अंतर्यामी अधिकरण नाम से अधिकरण प्रसिद्ध हुआ, उस अंतर्यामी भी का कथा भी उपासना के लिए ही है यह बात को सिद्ध करने जा रहे हैं, अतः पृथ्वी आदि भी उपासना के लिए स्थान विशेष ही है। तो इस विषय में अधिकरण सार अंतर्यामी अधिकरणम अंतर्यामी अधिकरणम प्रधानं जीव ईशो वा कोऽन्तर्यामि जगत् प्रति कारणत्तात् प्रधानं स्यात् जीवो वा कर्मणो मुखात् जीवैकत्तामृतत्वादेर् अन्तर्यामी परेश्वरः दृष्टत्वादिर्न प्रधानं न जीवोऽपि नियम्यतः। प्रधानं जीव ईशो वा कोऽयम् अन्तर्यामि शब्दवाच्यः, ये अन्तर्यामि शब्दवाच्य क्या हो सकता है, प्रधान अर्धमूल प्रकृति माया जो भी शब्द से कहो, जीवात्मा अथवा उपास्य ब्रह्म, पूर्व पक्षी कहेगा जगत के प्रति कारण होने के नाते वही समय व्याप्त रहता है, लेकिन कारण को कभी कार्य समझता नहीं है, मेरा कारण यह है, यह मेरा कारण है कौन समझ रहा है, घट नहीं समझता कि मेरा अपना कारण मिट्टी है। आप भी जन्म ले लिए हैं और जिसने पाला प्यार से समझा बढ़ा दिया और जिसने कहा थे ये तुम्हारा पापा, वो कहते ये तुम्हारा मम्मी है, इसलिए आपस में एक दूसरे का बोध करा दिया और आपने समझ लिया मेरी माँ है मेरी बाप है, नहीं तो कौन जानता है कौन माँ है कौन बाप है, कैसे आप जान लो कि आपके माँ बाप कौन है, आप जान ही नहीं सकते, ये तो बता दिया गया है,
और संग्रह रहकर रह करके वासना बन गई ना, वो बार रो उठा रही है, दूध पिला रही है, खिला रही है, पिला रही है, खेल रही है, नहला रही है, ये सब करती है माँ। इसलिए जो है उसके कहने के मान लिया आप ये पिताजी है और जिसने संभाल रही है, और सबसे पहले जो मुख से निकला शब्द उसी का संबोधन हुआ है, आरूढ़ हो गया और दूसरों ने बताया तुम्हारी माँ, इसने मान लिया। यही चलता है संसार माता पिता के बारे में। अब उन्होंने जिस चीज को जो जो बताया थे वो आपके संबंधी हो गए, नहीं तो आपको क्या संबंध है, आपको क्या मालूम कौन मामा है कौन चाचा है, वो बताते हैं ना। नहीं तो पहली बार आ जावे मामा तो आप डर के भाग जाते हैं, क्यों भागे? वो कहेगी माँ नहीं ये तुम्हारी मामा है, तुम्हारे लिए टॉफी लाया ये लाया, अच्छा ये मामा है, तो बस तब से मामा से प्रेम हो जाता, मामा भांजे का प्यार हो गया, नहीं तो गाय को मामा गाय को भांजा है। सकल व्यवहार आप देखेंगे तो वास्तव में क्या होता है, हम अपने कारण को जानते ही नहीं। अन्य द्वारा जो बोध करा दिया गया तो उसे हमने आंख बंद करके अंधश्रद्धा पूर्वक स्वीकार कर लिया, पर जांचने तो नहीं गए ये हमारी माँ है या नहीं, जांच आज तक उल्टा मार पड़ेगा, जांचने जाओगे पिटाई करेंगे, कहेंगे हम तुम्हारी माँ है, जांच लो डीएनए मॉलिक्यूल चेक करेगा क्या है? तो इसीलिए एक चीज क्या है, एक अंध परंपरा में अंधविश्वास मान लिए हैं हम लोगों ने, यह हमारा कारण है जन्म का। लेकिन इसका वास्तविक कारण पंचभूत है, वो कहां जान रहे हैं, कितने लोग जान पा रहे हैं? जन्म के प्रति कारण पर जान रहे हैं, शरीर का असली कारण कोई नहीं जान रहा, शास्त्रों को पढ़ लिया तो समझ लिए हैं केवल। इसलिए कहते हैं शास्त्र में समझाता है सारा जगत का कारण प्रधान है, अगर प्रधान की ही व्याख्या है प्रतिव्यादि अंतर्यामी के रूप में, प्रतिव्यादि अंतर्गत अंतर्यामी के रूप में जो कथन है वो प्रधान का ही है, क्यों? जगत के प्रति कारण होने से। दूसरा पक्ष आया, कहते नहीं नहीं यहां जीव लेना चाहिए कर्मणो मुखा, क्यों कर्म के बारे में कहा है ना यहां पर, इसी कारण जीव को ले लो। तब सिद्धांति कहते नहीं नहीं जीव एकत्वा मृतत्वा दे अंतर्यामी परेश्वर, जीव की एकत्व का है ना, वही तुम हो, वही सर्वांतर है, वही अंतर्यामी है, ऐसे कहता है बार बार, ऐसे क्यों कह रहा है? अंत में एक ना तो आत्मा, वही तुम्हारी एशते आत्मा अंतर्यामी अमृत सर्वांतर, ये क्यों कह रहा है? यही तुम्हारी आत्मा है कह दिया, इसका मतलब क्या? जीव को ब्रह्म के साथ एकता कर दिया, अतएव यह परमेश्वर ही होना चाहिए। और अमृतत्व का भी कथन है, अविद्या अविचिन चैतन्य प्रद जीव में यह भत्व घटेगा नहीं अमृतत्व, इसलिए जो है जीव ही कत्ता अमृतत्ता दे अंतर्यामी परेश्वर। और दृष्टित्व हेतुओं को भी लेकर के न प्रधानम न जीवोपी न प्रधानम, और जीवोपी न कथम नियम्यतः, वह नियमित कोटि में आ जाता है। इसीलिए अंतर्यामी शब्द ग्राह्य वस्तु या उपास्य ब्रह्म ही है, न प्रधान न जीव सिद्ध हुआ, अतः हमारा दृष्टांत सही है। दृष्टांत सही होने से पूर्वाधिकरण सिद्धांत भी सम्यक हो गया। अंतर्यामी अधिदैवादिषु तद्धर्म व्यपदेशा, अंतर्यामी जो कहां उपदिष्ट है, अधिदैवादियों में उपदिष्ट जो अंतर्यामी है वह ब्रह्म ही है, उपास्य ब्रह्म ही है, क्यों? तद्धर्म व्यपदेशा, यह पृथ्व्याम तिष्ठम इत्यादि छठ प्रकार से कथन किया, वहां पर अधिदैवत है, अधिलोक है, अधिवेद है, अधियज्ञ है, अधिभूत है और अध्यात्म, छह प्रकार के तत्वों को लेकर के वहां 12 पर्यायों में समझाने का प्रयास किया गया है। जो वो सभी अधिदैवादियों में प्रतिपादित जो अंतर्यामी है, जो नियामक है, वह परमेश्वरी है, क्यों? तत्धर्म उपदेशा, कि अमृतत्वादि उसके अनेकों धर्मों का यहाँ उपदेश देखने को मिलता है। विषय वाक्य को दर्शा रहे हैं बृहदारण्यक का, यमंच लोकंच परंच लोकम सर्वाणि च भूतानि यो अंतरो यमयति इति उपक्रमे श्रूयते, वहां पर जो इस लोक का और परलोक का और सब प्राणियों का भीतर, सब प्राणियों का भीतर रहकर नियमन करता है,
उसको तुम जानते हो क्या, ऐसा पूछा। याज्ञवल्क्य कहते हाँ भाई सुनो। उसको फिर अनेक पर्याय में बोलने लगा। इति उपक्रम्य श्रूयते यः पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्या अंतरो यम पृथ्वी न वेद यस्य पृथ्वी शरीरम यः पृथ्वी मंत्रो यमयति येषत आत्मा अंतर्यामी अमृतः। यह पृथ्वीयां तिष्ठन् जो पृथ्वी में रहते हुए पृथ्वी का भीतर में रहकर भी रहते होने पर भी जिसको पृथ्वी नहीं जानती है जिसका शरीर यह पृथ्वी ही है अर्थात उसका अपना कोई कार्यकरण संघात नहीं होता। उपास्य ब्रह्म का अपना कोई शरीर नहीं, कोई इंद्रिया नहीं, कोई मन नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई अहंकार नहीं। वह इस पृथ्वी रूपी जो शरीर है यह इसकी जो मन बुद्धि अहंकार इंद्रिया वगैरह को लेकर के सकल व्यवहार करता है। यह पृथ्वी मंत्रो यमेति और जो पृथ्वी को भीतर से नियमन भी किया करता है ये सत्य आत्मा यही तुम्हारी आत्मा है। वह अंतर्यामी शब्द से कहा जाता है, वह अमृतत्व गुणों वाला है इत्यादि। अत्र अधिदैवतम अधिलोकम अधिवेदम अधियज्ञम अधिभूतम अध्यात्मंच कश्चित अंतर अवसितो यमयता अंतर्यामी श्रूयते। इस प्रकरण में अधिदैवत अधिलोक अधिवेद अर्थात देवताओं को अधिकृत करके विचार, लोकों को अधिकृत करके विचार, वेदों को अधिकृत करके विचार, यज्ञ को अधिकृत करके विचार, भूतों को अधिकृत कर विचार और अंत में इस शरीर को अधिकृत करके भी विचार किया। यहां भी चक्षुषी बोला ना, चक्षुषी आदि लिया वो शरीर को लेकर के है। च कश्चित अंत जो कोई न कोई इन सब की इन उपाधियों में अवस्थित रहने वाला नियमन करने वाला अंतर्यामी शब्द यहाँ सुनने को मिला है। स किम अधिदैवाद्यभिमानी देवतात्मा कश्चित किम वा प्राप्त निमाद्यश्वर्य कश्चित योगी किम वा परमात्मा किम वा अर्थांतर किंचित इति अपूर्व संज्ञा दर्शनात् संशयः। क्योंकि अपूर्व संज्ञा है, ये संज्ञा न दुनिया में प्रसिद्ध है न शास्त्र में कई बार बोला हुआ नहीं, शास्त्र में भी है ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, अत्यंत अपूर्व संज्ञा है, इसलिए संशय होता है। ये अधिदेवता आदि का जो अभिमानी देवता उन्हीं को लिया जाए या प्राप्त अनिमादि ऐश्वर्य वाला कोई योगी को लिया जाए अथवा परमात्मा अथवा अर्थांतरण प्रधान आदि किंचित कोई दूसरे अर्थांत प्रधान आदि उनको ही लिया जाए। यदि अपूर्व संज्ञा दर्शनात् अपूर्व संज्ञा को देखने से यहां संशय हुआ। चिंता न प्रतिभाती कहते ठीक है आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, क्या महसूस होता है, यहाँ हमें क्या प्रतीत होता है वो बता रहे हैं। संज्ञा यह अप्रसिद्धत्व संजिना भी अप्रसिद्ध इन अर्थांतरण के निश्चित भवितव्य। विकल्प देखो संज्ञा प्रसिद्ध नहीं है इसका मतलब वह संजीवी प्रसिद्ध नहीं है। ऐसा कोई अप्रसिद्ध संजी अर्थांतर को ढूंढना पड़ेगा जो कि यह अप्रसिद्ध संज्ञा का वाच्यभूत वस्तु हो। तो इसलिए संज्ञा या अप्रसिद्ध अर्थात संज्ञा प्रसिद्ध न होने के कारण से संजिना भी अप्रसिद्ध न कोई अप्रसिद्ध न संजिना अर्थांतरेण के नचित भवितव्यम कोई अर्थांत प्रधान आदि जो वस्तु है उनके द्वारा यहां पर ग्रहण करना चाहिए अंतर्यामी शब्द से अथवा इसकी व्युत्पत्ति नहीं मान। अनिरूपित रूपम अर्थांतरम नौ को हम बाद में लेंगे जान करके अनिरूपित अर्थांतरम शक्य मस्ती न विगंतव्य। वैकल्पिक पक्ष को जवाब भी साथ साथ दे रहे अथवा करके विकल्प उठाया इन दूसरे पक्ष का जवाब भी साथ साथ भाषकर दे दिए कि न अभिगंतव्य। एक तो आप प्रसिद्ध किसी संजी अर्थांतर ग्रहण करनी चाहिए अथवा ऐसे मान लो अनिरूपितमेव अर्थांतरम जिसका कोई जो है व्युत्पत्ति आदि से अर्थ निश्चय होता ही नहीं। जैसे रूढ़ कोई शब्द को ले लो कोई वस्तु को ले लो वो अंतर्यामी शब्द वाच्य है ऐसा कथन कर रहे हैं तो सिद्धांत झट से बोलता है इति न अभ्युगंतुम शक्यम ऐसा स्वीकार करना संभव नहीं अर्थात दूसरे पक्ष को पहला खंडन करना शुरू किया। क्यों संभव नहीं है अंतर्यामी शब्द अंतर्यमन योगे न प्रवृत्त। यहाँ पर भी बार बार बोल रहे यमयति यमयति अंतः अंतर है वो है ना यह पृथ्वी अंतरो और बहुत आगे आकर के बोला पृथ्वी
अंतरो यमयति। यमयति शब्द है यहाँ, इसलिए व्युत्पत्ति तो स्वयं श्रुति कर रही है ना। अंतर यमन, अंदर में विद्यमान रहकर नियमन रूपा यौगिक जो व्युत्पत्तियां देखने को मिल रहा है, प्रवृत्त है, इसे नात्यंत प्रसिद्ध, इसे अत्यंत प्रसिद्ध जो भी अनिरूपित अर्थांतर या अत्यंत प्रसिद्ध निरूपित अर्थांतर को भी, दोनों की इकट्ठा खंडन हो जाएगा इस जवाब से, क्योंकि प्रवृत्त है, व्युत्पत्ति है, इसलिए अप्रसिद्ध मत कहो। अनिरूपित अर्थांतर भी नहीं, अप्रसिद्ध संजीव भी नहीं हो सकता, यह व्युत्पत्ति जन्य है शब्द, अतएव प्रसिद्ध मानना पड़ेगा। कथित कैसा प्रसिद्ध होगा व्युत्पत्ति जन्य बात, इसको वो कथन कर रहे हैं। तस्मात पृथ्वीआदि विमानी कश्चित देवो अंतर्यामी स्यात्, इसीलिए यहाँ पर क्या पक्ष है और प्रधान पक्ष वगैरह भाष्यकार ने इतने में खत्म कर दिए। आप प्रसिद्ध चीजों को पकड़ के मत लाओ, सीधा यहाँ ले लो कोई देवता ही है, इसका विमानी पृथ्वी का विमानी देवता है जो पृथ्वी के भीतर रहता है, और पृथ्वी उसके अपने अभिमानी देवता को नहीं समझ रहा है, और पृथ्वी का नियमन वही देवता कर रहा है, ऐसे तत्त्व अभिमानी देवताओं को ले लेना, जितने पर्याय है इन पर्यायों में कहे उपाधियों का तत्त्व अभिमानी देवता को ही ले लेना चाहिए। इसलिए वास्तव में यही प्रथम पूर्व पक्ष है, इसलिए पहले भाष्यकार तीन विकल्प उठाया था और चौथे में संकेत कर दिया प्रधान आदियों को, पहले लिया देवता अथवा योगी परमात्मा अथवा अन्य अर्थांतरण किंचित कह दिया, और उसी को पहले खंडन किया, सबसे अंतिम पक्ष जो था अर्थांतरण किंचित वो खंडन किया। उसे भी दो प्रक्रिया है, एक तो अप्रसिद्ध संगी को लेकर संज्ञा प्रसिद्ध होने से अप्रसिद्ध संगी रूप अर्थांतर को ले लीजिए अथवा अनिरूपित अर्थांतर को ले लीजिए, उन दोनों पक्षों के एक साथ खंडन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर निरूपित है और निरूपित होने के नाते प्रसिद्ध भी है, अच्छा अप्रसिद्ध पक्ष भी खत्म हो गया। दोनों में अंतर है ना, एक तो गया निरूपण नहीं हो सकता, जैसे पंका जैसे पंक निरूपण हो गया, और गौ है इसका कोई निरूपण नहीं है, अश्व है कोई निरूपण नहीं है। आप व्युत्पत्ति भले बना सकते हैं लेकिन व्युत्पत्ति का अर्थ लेंगे क्या, इसका मतलब क्या है अव्युत्पन्न शब्द, इसलिए व्याकरण ने दो प्रकार के शब्द कहे हैं ना, व्युत्पन्न और अव्युत्पन्न, और पहले वाला जो है वो व्युत्पत्ति मान रहा है लेकिन प्रसिद्ध नहीं है वो, और दूसरा वाला व्युत्पत्ति ही नहीं मानता। तब सिद्धांत करें व्युत्पत्ति पहला पक्ष के अनुसार व्युत्पत्ति वह है किंतु अप्रसिद्धि नहीं है, अर्थात दूसरे पक्ष का जो अव्युत्पत्ति पक्ष खंडन हो गया व्युत्पत्ति होने के नाते, और व्युत्पत्ति जिसलिए है इसलिए वो प्रसिद्ध भी है अत्यंत अप्रसिद्ध नहीं है। सामान्यतः प्रसिद्ध कहो यानी अत्यंत प्रसिद्ध जो उसने लिया, अपिछप जोड़ करके अत्यंत की अप्रसिद्ध जो पूर्व पक्ष ने कहा उसका खंडन, ऐसे दोनों पक्ष का एक जवाब व्युत्पत्ति पूर्वक अप्रसिद्धि का निषेध करने से दोनों पक्षों का खंडन हो जाता है। अरे देवता पक्ष रहा अब उसको भी निषेध करना पड़ेगा, कैसे निषेध करेंगे उसके पहले उसका पक्ष को बता रहे हैं, तस्मात पृथ्वी आदि विमान कश्चित देवो अंतर्यामी स्यात् तथा च श्रूयते पृथ्वी एव यस्य आयतनम् अग्निर्लोको मनोज्योति इत्यादि। पृथ्वी है जिसका आयतने, अग्नि है उसका लोक परिचक्षु है, मन है उसका प्रकाश इत्यादि जो रूप में कथन किया। पृथ्वी जिसका आश्रय है और अग्नि नेत्र है, मन संकल्पात्मक का ज्योति स्वरूप है, इत्यादि जो श्रुतियां हैं ये भी जो प्रधान ने कही है, वो ये तीन सात का था ना पहले विषय वाक्य और ये तीन नौ में कहा गया है, इसलिए देवता विशेष ग्रहण करने में कोई दिक्कत नहीं है। सज कार्यकरण पृथ्वी आदि अंत तिष्टन यमेति युक्तम देवतात्मनो यमैत्रित्व, क्योंकि उसको कार्यकरण संघात वाले रूप ने अपने व्याख्या कर दिया। नवम कंडिका में जाके पृथ्वी एव यस्य नव ब्राह्मण में तीन नौ नवे ब्राह्मण की दसवीं कंडिका में कहा पृथ्वी में का है यस्य पृथ्वी एव आयतन, पृथ्वी है जिसका आश्रय शरीर, और उसका अंक कह दिया मैंने हाथ पैर आंक वाला कौन होता है, ब्रह्म तो हो नहीं सकता, ब्रह्म हाथ पैर वाला होता नहीं, और ये हाथ पैर वाला कार्यक्रम संघात बता रहे हो आप, इसे निश्चित रूप में यहां देवता ही लेना चाहिए। पूर्व पक्ष कार्यकरणवत्ता कार्यकरणा संघात वाले के रूप में आपने व्याया पर कथन हुआ है, इसलिए पृथ्वी आदि के अंदर विद्यमान जो वस्तु है और उसमें बैठ करके नियमन करने वाला जो होगा वह देवतात्मा ही यमैत्रित्व उसके अंदर ही युक्त हो सकता है। सच देवतात्मनो यमैत्रित्वम युक्तम योगिनो वा, अथवा तीसरा पक्ष के भी कार्यकरण संघात वाला है ना,
योगिनो वा कस्यचित् सिद्धस्य सर्वान प्रवेशेन यमैत्रित्वं स्यात्। परकाय प्रवेश करने सामर्थ्य वाला कोई महान योगी है, सर्वकाय प्रवेश में कर रहा है, केवल परकाय नहीं सर्वकाय प्रवेश करके सभी का नियमन करने की सामर्थ्य वाला कोई महान योगी है समझ लो है। लेकिन कार्यकरण संगात वाला ढूंढना पड़े कोई आदमी तो या तो देवता हो सकता है या योगी हो सकता है, ये तर विशिष्ट ऐश्वर्य वाला समझना, क्योंकि फिर अलग अलग हो जाएंगे अनेक, इसलिए योगी में आना पड़ा कि सबका अभिमानी देवता अलग अलग है, पृथ्वी का अलग है, वेद का अलग है, यज्ञ का अलग है, सबका अपना अलग अलग है, फिर अलग अलग अनेक उपासी हो जाएगा, एक उपासी नहीं रहेगा ना, समस्या होगी। तब उसने कहा कि अब योगी ले लो, वो एक ही है और सभी उपाधि में प्रवेश करके अनुभव सबका नियमन कर रहे, उपासी एक हो जाएगा योगी, उपासी कौन है ताज सिद्ध योगी। अब वो समस्या अनेक उपास्य का समस्या नहीं रहेगा, इसलिए उन्होंने जान के पक्ष उठाया हुआ है। न तो परमात्मा प्रतीयते, लेकिन किसी भी प्रकार से यहां परमात्मा की प्रतीति नहीं करा सकते हो, अकार्यकरणत्वात् इत्यं प्राप्ते इदम् उच्यते है, क्योंकि वह कार्यकरण संगात वाला कदापि नहीं हो सकता है, अतएव जो है यह पूर्व पक्षानुसारेण प्राप्त होता है मुख्य रूपेण दो ही देवता अथवा योगी, यो इदम् उच्यते यो अंतर्यामी अधिदैवादिषु श्रुते स परमात्मैव स्यात् नान्येति, जो अधिदैवादि उपाधियों में श्रुत अंतर्यामी है वह परब्रह्म परमात्मा ही है, उपास्य ब्रह्म ही है, नान्येति वो दूसरा कोई नहीं हो सकता, कुतः तद धर्म व्यपदेशात्, क्योंकि ब्रह्म का जो धर्म है उन्हीं का उपदेश हुआ, तस्य ही परमात्मा धर्म ये निर्दिश्यमाना दृश्यन्ते, क्योंकि इस परमात्मा के धर्मों को यहाँ निर्देश करता हुआ दिखाया गया है। पृथ्वी तावत अधिदैवादि भेद भिन्नम समस्त विकार जातम अंत तिष्ट यमैति परमात्मनो यमैतृत्व धर्म उपद्यत है, पृथ्वी आदि अधिदैवादि जितने भी भेद हैं से भिन्न सकल उपाधियों में समस्तम विकार जातम, वो भी लक्षेत्र से क्या हो गया समस्त विकार समूह, उसके भीतर में स्थित होकर नियमन करना यह परमात्मा में यमैतृत्व नाम के विशेष धर्म का उपदेश रखा है। क्यों सर्व विकार कारणत्वे सत्य सर्व शक्ति पुपत्ते है, क्योंकि सर्व विकार का कारण ही नहीं है नहीं तो प्रधान आ जाएगा, सर्व विकार कारण मात्र कहोगे तो सर्व शक्ति पुपत्ते है, अर्थ उत्पत्ति से लय करने का शक्ति के समर्थ भी है वो। ये शतात्मतरियामृति च आत्मतमृतत्वे मुख्य परमात्मने उपपद्येते, आत्मतर अमृतत्व भी मुख्य ब्रह्म ही घट सकता है। इतना नहीं यम पृथ्वी न वेदयति च पृथ्वी देवतायः अविज्ञेयम् अंतर्यामिनम् ब्रुवन् देवतात्मनो अन्यम् अंतर्यामिनम् दर्शयति। और सा यहाँ पर कर यम पृथ्वी न वेद, यह स्थूल पृथ्वी की बात नहीं कह सकते, यहाँ पृथ्वी शब्द से पृथ्वी देवता ही बोलना चाहिए, जिसको पृथ्वी देवता भी नहीं जानता, इसे पृथ्वी देवता का अविज्ञेय वस्तु के यम शब्द से बोला, और इसे आते हुए क्या होगा वो पृथ्वी देवता के ज्ञान का कर्म भूता विषय भूता वस्तु जो होगा वो पृथ्वी देवता से भिन्न होगा, अतः यहाँ पर इस प्रकरण में अंतर्याम से देवताओं को भी नहीं ले सकते। यम न वेद कह करके कर्म प्रयोग है ना, यम पृथ्वी न वेद, पृथ्वी प्रथमांत है यम द्वितीयांत है, तो पृथ्वी देवता रूपी कर्ता का ज्ञान का अविषय रूपेण यहाँ पर कथन कर दे यम शब्द वाच्य जो वस्तु है, अर्थात तो देवता से भिन्न सिद्ध हो गया, जो स्वयं से जो भिन्न होगा वही ना हमारा विज्ञेय या अविज्ञेय होगा, स्वयं से अभिन्न वस्तु को क्या मैं अपने आप को नहीं जानता हूँ, ऐसे कौन कहेगा मैं अपने को नहीं जानता हूँ, ऐसा कोई नहीं कह सकता। इसीलिए यह मानना पड़ेगा या देवता नहीं है, क्योंकि देवता का भिन्न वस्तु को देवता के द्वारा अविज्ञेय रूप में यहाँ निर्देश किया हुआ है। वही कह रहे हैं पृथ्वी दैवादि भेद भिन्नम समस्त इत्यादि परमात्मा निमित्र द्वारा उपदित है, क्योंकि वो हो गया यम पृथ्वी न वेदयति च पृथ्वी देवताया अविज्ञेयम्, पृथ्वी देवता का भी अविज्ञेय भूता अंतर्यामी को कथन करते हुए यह ज्ञापन हो गया देवतात्मनो अन्यम, देवतात्मा से भिन्न है अंतर्यामी दर्शयति, अंतर्यामी को श्रुति ने दर्शाया है पृथ्वी देवता ही अहम अस्मि पृथ्वी थी आत्मा विजानीयात, और अन्यत्र श्रुतियों में कहा पृथ्वी देवता ही अहम अस्मि मैं पृथ्वी देवता हूँ मुझे पृथ्वी करके जानो, पृथ्वी थी
आत्मनु जानियात, और पृथ्वी करके आत्मा की उपासना करो बोल दिया। इति बीच में आगे ना, जैसे आदित्य इति ब्रह्मोपासित, मन इति ब्रह्मोपासित, उसी प्रकार पृथ्वी देवता मैं हूँ और मुझ पृथ्वी देवता को ही आत्म रूप उपासना करो। तथा अदृष्ट श्रुत इत्यादि उपदेश रूपादि विनत्व परमात्मा उपपद्यते। और अदृष्ट श्रुत मंत्र इत्यादि जो शब्दावली है ये किसमें उपपन्न होगा? देवता आदि में नहीं, क्योंकि तो रूपादि वाला है, वहां तो अदृष्ट श्रुत कहां से हो सकता है? जो रूपादि मान है वो आपका दृष्ट होगा, वो श्रुत होगा, और अदृष्ट श्रुत वही होगा जो रूपादि विहीनत्वात् परमात्मा ही उपपद्यते, परमात्मा में ही घटता है।